गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल देयर। वेलकम टू फिनिक्स इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स। वेलकम टू आवर ईवीएस क्लास सेशन 6। सो चिल्ड्रेंस, ओपन योर रीडर्स, टेक आउट पेज नंबर 12। इन अवर लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड लेसन, ओके, टिल हियर फ्रॉम अनदर वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द ग्रामर बिट्स, ओके चिल्ड्रेंस। See what is your activity, what he has given here after completing the lesson, activity is there, okay. Can you name this person? क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्या आप ये person, picture में दिया गया person का name बता सकते हो? Who is that? Hint क्या दिया आपको यहाँ पे? Clue और hint, he won gold medal for India in the javelin throw at the 2004 summer पैरालंपिक्स इन एथेंस। ही वॉन गोल्ड मेडल, उनको गोल्ड मेडल मिला गया है इंडिया में इन द ईयर 2004 समर पैरालंपिक्स इन एथेंस। सो उनका नेम क्या है? व्हाट यू हैव टू राइट ऑन हियर, सी डी ई वी ई एन डी आर ए, देवेंद्र झाझारिया। क्या नेम है इनका? देवेंद्र झाझारिया, जे एच ए जे एच ए आर आई ए, झाझारिया। सो यू हैव टू राइट ऑन द नेम ऑफ दिस पर्सन, ओके चिल्ड्रेंस। नाउ सी द पेज नंबर 13। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इन दिस बिट आपको क्या करना है चिल्ड्रेंस? यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर 4-3 ऑप्शन है, आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढ कर लिखना है। सो सी फर्स्ट वन, ए, देर वॉज मास शिफ्टिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड डैश ड्यूरिंग पार्टीशियन। यहाँ पर टू बॉर्डर्स थे, वो कौन से है? वन इज इंडिया, नेक्स्ट वन आपको ऑप्शन में से ढूंढना है। फर्स्ट वन इज चाइना, सेकेंड वन इज पाकिस्तान, थर्ड वन इज नेपाल। सो करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान, सेकेंड वन। यू हैव टू राइट डाउन हियर पाकिस्तान, पी ए के आई एस टी ए एन, पाकिस्तान, ओके चिल्ड्रेंस। नाउ सी दिस बी बिट, बी वन, डैश ऑथर्ड द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। हु हैज ऑथर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बुक नेम है ये, कौन है उसके ऑथर? फर्स्ट वन इज स्टीफन, सेकेंड वन इज हेलेन किलर, एंड थर्ड वन इज महात्मा गांधी। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टीफन, यू हैव टू राइट ऑन हियर स्टीफन। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्टीफन हियर? एस टी ई पी एच ई एन, स्टीफन, ओके चिल्ड्रेंस। नाउ सी सी वन, हेलेन एडम केलर वॉज ए डैश पर्सन। फर्स्ट वन ऑप्शन सी हियर क्या है? डीफ एंड डम, ब्लाइंड एंड डम, डीफ एंड ब्लाइंड। सो विच वन इज करेक्ट इन दिस? थर्ड वन, ओके चिल्ड्रेंस। व्हाट यू हैव टू राइट ऑन? डीफ, D-E-A-F, deaf, and B-L-I-N-D, blind, वो क्या थे? बहरे और अंधे, okay childrens। Now see D-1, Dash became the first lady to climb Mount Everest with a prosthetic leg। This is a sentence, see the option, first one is Behendri Sinha, second one is Arunima Sinha, and the third one is Bachendri Pal। So which one is correct childrens? We have learned in our lesson, obviously it is Arunima Sinha, so second one you have to write down here, A-R-U-N-I-M-A, Arunima, S-I-N-H-A, Sinha, Arunima Sinha। So we have completed page number 13, choose the correct option। Now turn the page, page number 14, you are having answered the following questions, how many questions are here? 5 questions, okay childrens। Now, so childrens, like this you have to complete second lesson question and answers in your notebook, okay? Answer the following question. What is first one? Give 3 reasons why people shift from one place to another. One place to another, why people shift? So answer is, the people shift from one place to another because of first studying in a different places, first searching of jobs, division of family. Okay childrens, first question and answer. See second one, what challenges do people face when they shift from one place to another? What challenges, क्या challenges वो face करते जब एक जगह से दूसरी जगह को जाते? See the answer, shifting to a new place is not very easy. So point, see first point, people have to search for new job, new house, essential things. People have to adjust to the differences in languages, food, climate and other things, etc. See childrens, third one, what is the question here?
whose success story has been shown in the film The Miracle Worker. Name of a film क्या दिया गया है आपको? The Miracle Worker. तो किसका success story उस film में आपको बताया गया? Which film? Name क्या है children से यहाँ पे film का? The Miracle Worker. Now see the answer. Helen Adams Keller. Story has been shown in the film The Miracle Worker. So, Miracle Worker film में किसकी story बताई गई children से यहाँ पे? Helen Adams Keller. Very good. Spelling see here. H-E-L-E-N. Helen. A-D-A-M-S. Adams. K-E-L-L-E-R. Keller. Story कौन से film में दिखाया गया है children से इनका? The Miracle Worker. Got it? Now see the next one. Next question, how did Sudha Chandran achieve so much after she lost her leg in an accident? Sudha Chandran ka lost ho gaya tha. Kya lost ho gaya children? Unka eyes, nose ya fir hand or leg? So leg, unka leg accident mein lost ho gaya tha. Uske baad unhone kya achieve kiya? Aage badhkar. See the answer. It was the toughest time of her life. Unki zindagi ka wo sabse mushkil bhara time tha. But she bravely overcome her disability. फिर उन्होंने बहादुरी से उसका सामना किए with the help of a prosthetic जयपुर फुट. किसके हेल्प के वजह से उन्होंने आगे बढ़े? कौन सा लग? प्रोस्थेटिक जयपुर फुट. उनको टेम्पररी कुछ पैर डाला गया, उससे ही उन्होंने आगे बढ़ा. कौन? सुधा चंद्रन. इस तरह से उन्होंने आगे बढ़े और सक्सेस हुए. Who children? Who is सुधा चंद्रन? Got it? Now see the last question. How can blind people read? क्या है question children यहाँ पे? How kind blind? Blind यानी के अंधे. People read, वो लोग किस तरह से पढ़ते हैं? Okay. See the answer. Helen mastered several method of communication. अंधे लोगों को पढ़ने के लिए Helen master. Master क्या है? इन अंधे अंधों के teacher. उन्होंने क्या करे? Several method. Methods यानी के तरीके, कई सारे तरीके निकाले. Okay. Communication including touch lip. First one क्या है? Touch lip. Reading. ब्राइल. ब्राइल यानी के हैंड राइटिंग, जिसे अंधे लोग देखकर पहचान सकते. वो किस तरह से लिखा हुआ रहता है चिल्ड्रंस? लेसन में बोले थे आपको कि बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ रहता विथ डॉट्स. ओके. स्पीच टाइपिंग. स्पीच टाइपिंग मीन्स बोलने पर टाइप किया जाना. ओके चिल्ड्रंस. एंड फिंगर स्पेलिंग. फिंगर से स्पेलिंग देखते वो लोग फॉर ब्लाइंड पीपल. दीज आर द मेथड्स टू रीड एंड राइट फॉर दी ब्लाइंड पीपल. ओके चिल्ड्रंस. Till here we have completed our second lesson. So complete this question and answers one time in your notes neatly. We will meet you in our next class. Till then, thank you.